हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का स्वागत है। चलो लर्न करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैथ का सिलेबस क्लास वन के लिए। जैसे क्लास वन के सिलेबस में क्या होता है, पहले राइट न्यूमेरल एंड नंबर नेम, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, क्योंकि ये तो यूकेजी में ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, तो इसमें जैसे आइसक्रीम मैंने बना दिया 1 2 3, तो न्यूमेरल में क्या हो जाएगा और यहाँ पर लिखना और यहाँ पे लिखना होगा नंबर नेम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 स्पेलिंग, ठीक है। इस तरह से पूछे जाते हैं बच्चों से। यहाँ एप्पल है तो 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर F O U R 4। फिर इसमें आता है बिगर और स्मॉलर, तो जो बिगर है यानी बड़ा है उसके आगे हमें लिखना होता है, बच्चों को लिखना होता है बिगर, और ये हो गया स्मॉलर। तो इस तरह से बच्चों को दिए जाते हैं बिगर स्मॉलर, फिर टॉलर शॉर्टर। वर्टिकली जो टॉल होते हैं, वर्टिकली जो लंबे होते हैं वो टॉलर में आते हैं, ठीक है। अब इसमें टॉलर और इसमें शॉर्टर, दोनों में शॉर्टर कौन है, तो ये के लिए भी मिलता है, टॉलर पे टिक करो, शॉर्टर पे टिक करो, तो इस तरह से। तो ये हो गया टॉलर, ओके, और ये हो गया शॉर्टर एस। अब जैसे एक और होता है जैसे लॉन्गर और शॉर्टर, ठीक है। टॉलर तो हो गया वर्टिकली जो लंबे हो गए वो टॉलर में आ गया, अब जो हॉरिजेंटली जो लंबे होते हैं वो लॉन्गर में आ जाता है, ठीक है। तो हमें बच्चों को इसी तरह से समझाना है, ओके। तो ये हो गया लॉन्गर, ये दोनों में लॉन्गर कौन है, तो ये पेंसिल क्या है, लॉन्गर है, और ये पेंसिल शॉर्टर है, ये छोटा है तो ये शॉर्टर है। अब इसी तरह इसमें कील है, तो ये दोनों में कौन सा लॉन्गर है, तो ये लॉन्गर है। अब इसी तरह बच्चों से पूछे जाते हैं एबो और बिलो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये कुछ फोटोज़ बना दिए हैं और इसी के द्वारा मैं कुछ समझाऊंगी। जैसे एबो और बिलो है, अब क्वेश्चन अगर आता है कि द सन इज डैश द क्लाउड, ठीक है, सन जो है वो क्लाउड के ऊपर है, तो ये हो जाएगा एबो, तो द सन इज एबो द क्लाउड, द सन इज एबो द क्लाउड, द क्लाउड इज, क्लाउड क्या था, सन के नीचे था, तो बिलो द सन हो जाएगा, द क्लाउड इज बिलो द सन। उसी तरह द बॉल इज डैश द टेबल, तो बॉल क्या, कहाँ था फोटो में, पिक्चर्स में बॉल था टेबल के नीचे, ठीक है, तो द बॉल इज बिलो द टेबल, ये देखिए ये बॉल टेबल के नीचे है तो बिलो द टेबल। अब ये फैन है, तो फैन जो है वो टेबल के ऊपर है, तो अबव द टेबल हो जाएगा, तो द फैन इज एबव द टेबल। तो इस तरह से मैं बच्चों को समझाना है एबव बिलो। अब इसी तरह आता है इसमें मोर और लेस, तो इसमें जैसे सुनील है, ठीक है, तो सुनील के पास कितने सारे फ्लावर है, 4 फ्लावर्स हैं, और जबकि रोहित के पास है 2 फ्लावर्स, तो किसके पास मोर फ्लावर्स है, तो सुनील के पास, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन भी समझाया जाता है वन क्लास में। जैसे ये इस तरह से एरो है, ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब उसी तरह रेक्टेंगल दे दिया गया है, तो इसमें बच्चों को बताना है तो कि इधर ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ठीक है। तो ये देखिए इधर रेक्टेंगल ये है और ईस्ट आता है इस तरफ, तो ये रहा ईस्ट, और इसी के थ्रू इसी के साइड में राइट भी लिख सकते हैं हम, राइट और लेफ्ट, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को समझाना है, और ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अब आ जाते हैं मैथ जो होते हैं वन क्लास में उस पर। जैसे देखिए टेंस प्लस वंस है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हो सकता है बच्चों को ये दे दिए जाए और न्यूमेरल्स पूछे जाए और नंबर नेम्स पूछे जाएँ, ठीक है। तब जैसे 20+6 है, 20+6 है तो 26 हो गया, और इसे ही नंबर नेम लिखना है 26 स्पेलिंग में। अब उसी तरह 20+7 है, तो ऐसे मैं बता देती हूँ। अब जैसे 7 है ये वंस में आ गया, और जो 2 है वो टेंस में आ गया, तो इसके लिए हम टेंस को दिखाने के लिए 0 लगा देंगे, 10, तो 20+7, अब इसे ही हमें स्पेलिंग में लिखना होगा। इसी तरह 10+8 है, तो 8 हमारा आ गया इस तरह से, और 18, तो इसे ही हम 18 यहाँ लिख देंगे। अब ठीक इसके अपोजिट
हो सकता है ऐसे भी पूछे जाएं, जैसे ये नंबर नेम्स दे दिए जाएं और बच्चों को लिखना होगा टेंस प्लस वंस प्लस और न्यूमेरल्स लिखना होगा। तो इसके लिए बच्चे क्या करेंगे, जैसे 13 है तो पहले 13 लिख लेंगे, ठीक है 13 डाल लिया। अब इसे हम टेंस प्लस वंस में बच्चों को समझाएंगे कन्वर्ट करने को कि ये 3 जो है वो वंस में आता है और 1 जो है वो टेंस में आएगा, तो यानी टेंस में आएगा इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरह 18 है तो 18 पहले बच्चे लिख लेंगे, फिर 8 जो है वो वंस में आएगा और 1 जो है वो टेंस में आएगा, इसका मतलब 10 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या आता है, राइट न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग, जैसे स्पेलिंग दे दिया जाता है बच्चों को और यहाँ पर न्यूमेरल्स लिखने के लिए दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो जैसे अब 171 दिया गया तो ये न्यूमेरल्स बच्चों को लिखना है। इसी तरह 266 दे दिया गया स्पेलिंग और बच्चों को लिखना है यहाँ, तो ये आपको 1000 तक आ जाते हैं नंबर्स नेम। बच्चों को न्यूमेरल्स लिखने के लिए स्पेलिंग जो दिए जाते हैं वो 1000 तक दे दिए जाते हैं वन क्लास में। अब देखिए अब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी दिए जाते हैं, जैसे 59 है तो टेंस प्लस वंस जो हमने पढ़ा था वही बच्चों को यहाँ पर लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे 9 आ गया वंस में तो 9 अब प्लस 5050। एक्सपेंडेड फॉर्म पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब फिर बच्चों को क्या लिखना है, 5 टेंस प्लस 9 वंस, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा। इसी तरह ये 2 डिजिट नंबर है, इसी तरह ये 3 डिजिट नंबर में भी इसी तरह आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वंस वंस टेंस हंड्रेड्स, तो इसमें क्या होगा, देखिए 147 है तो 1 लिखेगा बच्चा, 1 के बाद 2 जीरो आराम से बैठ जाएगा। ऐसे बच्चों को समझाना है कि 1 है तो फिर 2 जीरो, 2 अंक बचा तो 2 जीरो, प्लस 4 के बाद कितना अंक है, 1 ही है तो 1 जीरो, और 7 के बाद कुछ नहीं तो प्लस 7 उतार देना है। तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे वंस टेंस और हंड्रेड्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस 4 टेंस प्लस 7 वंस। इसी तरह यहाँ भी करना है 623 में। अब उसी तरह आता है राइट द प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू हमें इसमें बच्चों को दिखाना रहता है, जैसे 129 है तो इसका वो एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे 100 प्लस 2020 प्लस 9। अब इसमें क्या करेंगे, इस तरह से एरो खींचेंगे, 9 वंस दिखाएंगे, फिर 2 है तो 2 टेंस दिखाएंगे, फिर 1 है तो 100 दिखाएंगे, ये प्लेस वैल्यू बता देंगे। और ये अब इसी तरह राइट द शॉर्ट फॉर्म, इसमें क्या था एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह करना था, अब एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से दे दिए जाएंगे और उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी ये लिखना है उन्हें। ये काफ़ी ईजी है, बच्चे आराम से कर लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उन्हें आप इस तरह से समझाएं, ठीक है। अब जैसे 2 है तो 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, यानी 262 हो गया। उसी तरह 600 तो 6 बैठ गया, फिर 1 है तो 1 बैठ गया, फिर 3 है तो 3 बैठ गया, ठीक है इस तरह से करना है। अब हाँ अगर इस तरह से आ जाए 500 प्लस 00 प्लस 2, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 5 लिख दिया क्योंकि 2 अंक है, यानी कि 2 अंक यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर 0 है तो बस 0 ही यहाँ पर बैठ जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 502। अब देखिए अब एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इस तरह से बच्चों को आता है राइट द न्यूमेरल्स एंड नंबर नेम्स इन द ब्लैंक। जैसे ये दे दिया गया, ठीक है, और ये दे दिया गया, और ये तो मैंने बता दिया है पहले में कि इस तरह से लिखना होगा, लेकिन दिया कैसे जाएगा, इस तरह से। जैसे ये दे दिया गया तो बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखना है 462, ठीक है, और फिर यहाँ पर बच्चे लिखेंगे 400, तरह से बच्चे लिखेंगे। उसी तरह से शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो 5 है तो 5 लिख दिया, 2 अंक है तो 2 जीरो बैठ गया, प्लस फिर 8 लिख दिया, 8 के बाद 1 ही है तो 1 जीरो बैठ गया, प्लस 8 इस तरह से। और फिर इसे भी हम नंबर्स नेम में बच्चों को बोलेंगे लिखने के लिए 588। अब उसी तरह इसमें आफ्टर नंबर दिए जाते हैं, बिफोर नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, मिडिल नंबर यानी बिटवीन वाला जो नंबर होता है वो लिखना रहता है, ये सब दिए जाते हैं वन क्लास में। फिर इसमें पुट द साइन ऑफ, साइन ये देना रहता है, जैसे 28 है क्या स्मॉल है 68 से, तो एरो इस तरह से होगा,
और हमें बच्चों को इस तरह बताना है कि जहाँ पर जो मुंह है माउथ जो है वो कम रहेगा वो वहाँ स्मॉल अंक होगा, और जहाँ पर बड़ा रहेगा माउथ वहाँ पर बड़ा अंक रहेगा। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि ए हमें किस तरह से साइन को रखना है। ठीक है, अब 89 है 87, तो 89 87 से बड़ा है तो यहाँ जो माउथ है वो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा वाला माउथ छोटे वाले नंबर की ओर रहेगा। अब ये 68 68 तो इस तरह से हो जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर भी बच्चों को दिया जाता है वन क्लास में, किसे असेंडिंग ऑर्डर में डालो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर यानी जो सबसे छोटा है वो पहले, तो ये देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैंने बताया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो ज़्यादा अंक है वो पहले आएगा, यानी 83 ज़्यादा है तो 83, उसके बाद 72 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद 41 है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन है, जैसे 2+3 दिखाना है कि लाइन में से दिखाओ, तो इस तरह से लाइन खींच के हमें 1 2 3 4 10 तक या कितना भी नंबर लिख देना है। और फिर जैसे 2 है तो ये देखिए ये 2 हो गया, ठीक है, +2 उसका 3 है, तो ये हो गया 3 1 2 3, ये 3 हो गया, कहाँ पर आया 5 पर आया है ना। फिर उसके बाद फिर एक और एरो खींच के यहाँ पर 5 पे कर देना है, तो ये इस तरह से दिखा देना है। अब उसी तरह अगर हमें घटाना है, बच्चों को घटाना सिखाना कि घटाना कैसे बताएंगे, तो जैसे 8-3 है तो नंबर लाइन हमें खींच देना है, 1 2 बैठाना है, फिर 0 से लेकर 8 तक डायरेक्ट जाना है, फिर लेफ्ट की ओर हमें इस तरह से कर घटते हुए, मतलब ये घट रहा है इसलिए ये लेफ्ट की तरफ जो वो एरो है वो हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर आया 5 पर आया, इसका मतलब ये 8-3=5 हो जाएगा। उसी तरह फिर बच्चों को जोड़ना भी बताया जाता है इसमें, 10+1 जैसे 2 3 5 1 एज इट इज़ उतर गया। उसी तरह फिर कैरी वाले भी जो ऐड होते वो भी होते, वो कैरी वाले जो ऐड होते वो लास्ट में सिखाए जाते हैं, लास्ट में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सिखाए जाते हैं। फिर उसी तरह से आपको सब्सट्रैक्ट भी आएगा 3, मतलब इस तरह से बच्चों को बता दिया जाता है, जैसे 1 2 3 तो 2 कट गया तो 1 बच्चा, तो 1 बच्चे उतारेंगे, तो इस तरह से बच्चों को हमें बताना होगा लाइन खींच करके। अब जैसे 13 में से 8 गया तो 13 लाइन खींचेगा बच्चा, उसमें फिर 8 कट करेगा, जो आएगा वो लिखा जाएगा। फिर उसमें जो बोरोइंग होता है इसमें तो कैरी हो गया, ऐड में तो कैरी करके करना होता है, इसमें बोरोइंग हो गया सब्सट्रैक्ट में, क्योंकि हमें 5 जो है वो कम है 6 से, तो हमें 1 बोरो करना होगा, तो 1 बोरो किया तो 1 5 हो गया 15, फिर 15 में से 6 घटेगा तो फिर यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ बिफोर नंबर हम बच्चे को बोलेंगे कि इसका फिर बिफोर नंबर आप इसे लिख दें, तो यानी 2 के बिफोर में आता है 1, तो 1 हो जाएगा, फिर 1 1 0। फिर टेबल आता है इसमें 9 तक, मेरे बच्चों को तो 9 तक ही टेबल दिया गया था। फिर उसी तरह इसमें आपको फिर मल्टीप्लाई करने के लिए भी आ जाता है, पैटर्न भी आते हैं, जैसे 2 2 स्क्वायर हो गया, फिर 2 सर्कल है, फिर 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर के बाद फिर क्या आ जाएगा, बच्चे को देखना है कि 2 स्क्वायर के बाद तो 2 सर्कल आया था, तो यहाँ पर बच्चे बनाएंगे 2 सर्कल, इससे उनके दिमाग भी काफ़ी शार्प होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसी तरह 2 ट्रायंगल है, फिर 1 सर्कल है, फिर 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल के बाद 1 सर्कल आता है, तो 1 सर्कल हो जाएगा, और 1 सर्कल के बाद 2 ट्रायंगल आता है, तो 2 ट्रायंगल हो जाएगा। ये बच्चों को बनाना है, इस वो देखेंगे समझेंगे तो आसानी से कर लेंगे। फिर ये टी है, फिर डबल टी है, फिर टी है, तो इसका मतलब फिर डबल टी हो जाएगा, और डबल टी के बाद क्या आता है सिंगल टी, तो फिर ये सिंगल टी हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह से वन क्लास में आता है बच्चों को बनाने के लिए पैटर्न। तो ये था फ्रेंड्स वन क्लास का सिलेबस, जो कि वर्कशीट के जरिए समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को आप इस तरह से बनाने के लिए दें, उन्हें समझ में भी आएगा, वो अच्छे से बना पाएंगे, समझ पाएंगे भी। ओके, तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।